नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हैकर्स माइंड पे। मैं आपका दोस्त अजय कुमार शर्मा लेकर आया हूँ आपके लिए नई वीडियो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अगर आपका पैन कार्ड खो गया है या फिर पैन कार्ड चोरी हो गया या फिर कहीं गुम हो गया है और आपको दूसरा पैन कार्ड चाहिए तो किस तरीके से आप घर बैठे वो पैन कार्ड मंगा सकते हैं। पूरा प्रोसीजर सिर्फ 2 मिनट का है दोस्तों। आपको इसके लिए कोई डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आपको OTP की ज़रूरत पड़ेगी अपने फ़ोन नंबर पर और एड्रेस की, तो जहाँ पर आपको पैन कार्ड मंगाना है। सिर्फ 2 स्टेप का प्रोसीजर है, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। 2 से 3 मिनट की वीडियो होगी, ज़्यादा बड़ी वीडियो भी नहीं होने वाली है और पूरा प्रोसीजर देखेंगे जब भी आप इसको मंगा पाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक का बटन प्रेस कीजिए, अपने व्यूज़ कमेंट में लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए चलते हैं वीडियो में आगे की तरफ। दोस्तों, अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो आप अपने स्मार्टफोन के ब्राउज़र में जाएंगे या फिर अपने लैपटॉप या PC के ब्राउज़र में। तो मेरे पास क्रोम है, मैं क्रोम को खोलता हूँ। ये मैंने क्रोम खोल लिया, यहाँ पर मैं डालूँगा पैन कार्ड रीप्रिंट। ये सबसे ऊपर ऑप्शन आने लगा है, इस पर क्लिक करेंगे हम लोग। यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं, लेकिन आपको ऊपर वाले जो 2 ऑप्शंस इनमें नहीं जाना है, जो कि वेबसाइट है onlineservices.nsdl, इस पर नहीं जाना है। इस पर दोस्तों पुराने पैन कार्ड्स का मैंने देखा है ज़्यादातर का मिलता है, आप लोगों का नहीं मिलेगा जो बहुत ही ज़्यादा पुराने पैन कार्ड्स हैं, ठीक है। तो और ये तीसरे नंबर पर जो वेबसाइट्स आ रही है MyUTI TSL, ये दो सारी गवर्नमेंट ऑथोराइज वेबसाइट हैं, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। ये वेबसाइट लोड होने में स्टार्टिंग में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेगी। तो दोस्तों हमारे सामने ये वेबसाइट खुल गई है। दोस्तों वेबसाइट कभी कभी अपलोड होने में ज़्यादा टाइम लेती है, तो आप उसको क्लिक करके छोड़ दीजिएगा। वहाँ पर आप ये सोचिए कि कुछ एरर आ रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि गवर्नमेंट वेबसाइट है तो इस पर लोड ज़्यादा रहता है, तो इस वजह से टाइम लेता है। तो चलिए हम आगे के प्रोसीजर फॉलो करते हैं। सबसे पहले क्या करना होगा, आपको यहाँ पर अपना पैन डिटेल डालनी होगी, जिस पैन को आपको मंगवाना है, ठीक है। मैं यहाँ पर पैन डिटेल फिल कर देता हूँ। उसके बाद आधार नंबर अगर आपके पास है तो ठीक है, डाल सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई यहाँ पर कंपलसरी नहीं है आधार नंबर। उसके बाद हम अगले स्टेप पे प्रोसीड करेंगे, जो है कि आपका डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ में डेट छोड़कर बाकी सब रखना है। पहले आपको मंथ डालना है और उसके बाद ईयर डालना है, ठीक है। पहले आपको डेट ऑफ बर्थ में आपको डेट नहीं डालनी है, सिर्फ मंथ और उसके बाद ईयर डालना है, ठीक है ना। उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। GST नंबर आपको नहीं डालना है, आप अगर इंडिविजुअल हैं, आप अगर फर्म है या फिर कोई कंपनी है या प्रोप्राइटरशिप में है, तो आपको यहाँ पर अपने GST नंबर भी देना पड़ेगा, वैसे कंपलसरी नहीं है तब भी। यहाँ पर आपको उसके बाद ये जो कैप्चा में कोड आ रहे हैं 356003, ये फीड करना है, उसके बाद सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद दोस्तों ये आपकी डिटेल को फेच करेगा अपने सिस्टम से और आपको बताएगा कि क्या ये वही पैन कार्ड है जो आप मंगवाना चाहते हैं। तो थोड़ा सा हमें वेट करना होगा इसके लिए दोबारा। दोस्तों यहाँ पर जब तक आप इंस्ट्रक्शन भी पढ़ सकते, देखिए यहाँ पे बताया हुआ है इसने कि पैन का जो रीप्रिंट है वो आप इस वेबसाइट से, जो मैं बता रहा हूँ UTI ITSL, यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपको कोई पैन कार्ड में चेंज नहीं कराना, जो पैन कार्ड था सेम वही मंगवाना, उसमें कोई चेंजेस नहीं होने तो, ठीक है ना। उसके बाद और भी सर्विसेज ये बता रहे हैं, यहाँ पर आप ले सकते हैं इनकी वेबसाइट पे। उसके बाद तीसरा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए, आप इन्होंने बोला है कि अगर आपको पैन रीप्रिंट चाहिए या फिर डुप्लीकेट पैन कार्ड चाहिए तो आपको यहाँ पर ₹50 पेमेंट करनी पड़ेगी। ये एक तरीके से आप मान लीजिए डिलीवरी चार्ज है उनका, ठीक है ना, और प्रिंट करने का सारा इंक्लूड होगा इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद अगर आप इंडिया के बाहर रहते हैं या फॉरेन रेजिडेंट है तो आपको ₹959 पे करने होंगे टैक्स को लेकर, डिलीवरी और बाकी सारी चीज़ों को, ठीक है ना। उसके बाद जब ये पैन डिस्पैच करते हैं आपका डिलीवरी के लिए, तो आपको ये जो कोरियर नंबर होता है, कोरियर ट्रैकिंग ID होती है, वो आपको आपके जो आप ट्रैक करेंगे स्टेटस, रीप्रिंट का स्टेटस, वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो वहाँ पर आपको दिख जाएगा, तो आप वहाँ से ट्रैक कर सकते हैं कि आपका जो पैन कार्ड है वो कहाँ पर पहुँचा है। दोस्तों अभी वेबसाइट थोड़ा सा टाइम ले रही है, तो हमें यहीं पर रुकना होगा। तो दोस्तों आ गया है देखिए दूसरा स्टेप, यहाँ पर ये सारी डिटेल्स दिखा रहा है आपका। सबसे पहले तो डिटेल में देखिए, यहाँ पर पैन नंबर के लास्ट के और शुरू के कुछ डिजिट दिखा रहा है, अगर वही पैन है तो ठीक है। उसके बाद आपको ये मोबाइल नंबर दिखाएगा। मेरे यहाँ पर ईमेल आईडी रजिस्टर्ड नहीं है इस पैन के साथ, तो इसलिए ईमेल आईडी नहीं दिखा रहा है।
और एड्रेस दिखा रहा है, उसके बाद ये दिखा रहा है कि सिटी कौन सी है, और फिर मेरा पिन कोड के डिजिट्स दिखा रहा है, उसके बाद कैप्चा। अब मैं दोस्तों क्या करूँगा, इसको फिल कर दूँगा कैप्चा को, ये पहले ओके कर देना, प्लीज़ वेरीफाई योर कॉन्टैक्ट डिटेल, ओके ओके। उसके बाद मैं कैप्चा फिल करूँगा 383659, ओके। उसको फिल करने के बाद मैं क्या करूँगा, गेट OTP कंफर्म करने के लिए यहाँ पर क्लिक कर दिया। दोस्तों OTP रिक्वायर्ड होगी, इसी नंबर पर OTP आएगा जो यहाँ पर आपको ये नंबर दिखा रहा है, ये वाला, इसी नंबर पर OTP आएगा, तो इसको मैं गेट OTP पे क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों मैंने आपको बता ही रखा है कि वेबसाइट थोड़ा सा टाइम लेगी यहाँ पर, तो आपको कुछ करना नहीं है, बस स्टेप को फॉलो करते जाना है जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये देखिए OTP आ गया है, ठीक है ना। पहले सबसे पहले ये इन्फॉर्मेशन पे ओके करूँगा मैं, उसके बाद OTP डालूँगा 3224773224777, सबमिट करूँगा मैं। जैसे ही मैं इसको सबमिट करूँगा दोस्तों, ये पहुँच जाएगा पेमेंट पेज पे। रुकिए देखते हैं, ये आपका दूसरा स्टेप था, ठीक है। दोस्तों अभी ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, हमें बने रहना। ये देखिए दोस्तों पेमेंट पेज पर आ गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं डेट और टाइम, आज की डेट और ये टाइम दिखा रहा है। ये प्रिंट के लिए आपका 50 रुपये बता रहा है, आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी मांग रहा है। ये वो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है जो आपके डिलीवरी के समय आपको जो अपडेट्स है वो देंगे, तो यहाँ पर वो अपने सही ईमेल आईडी को और नंबर को डालना, हो सके तो नंबर वही डालिए जो आपका आधार के अंदर, सॉरी जिस पर अभी OTP आया है, ठीक है ना, आधार या फिर सॉरी जो पैन कार्ड से रजिस्टर्ड। उसके बाद आप यहाँ पर दो में से कोई एक पेमेंट गेटवे चूज़ कर सकते हैं, बिल डेस्क कर लीजिए, इस पर आप क्लिक करिए। एक मिनट, हो सकता है शायद ये काम ना कर रहा है, ये बिल डेस्क अभी काम नहीं कर रहा है, तो हम PayU से करेंगे। दोस्तों बात एक ही, यहाँ पर इसके बाद आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर वगैरह डालकर और ईमेल आईडी डालकर प्रोसीड करेंगे कंफर्म पेमेंट पे, ये आपको लेके जाएगा डेबिट कार्ड पे, UPI पे, और वहाँ पर आप पेमेंट करके, यहाँ पर सारे मेथड्स दिखा रहा है, आप डेबिट कार्ड वॉलेट से भी कर सकते हैं, OxyCash रुपये या किसी भी डेबिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो वॉलेट हैं आपके, ये जिप कैश हो गया, OxyCash, इनसे भी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, किसी भी चीज़ से आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो मुझे ये पैन कार्ड नहीं मंगाना है, तो मैं आगे प्रोसीड नहीं करूँगा, इसलिए मैंने आपको पूरा स्टेप दिखा दिया है। दोस्तों इस जो रीप्रिंट की लिंक है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट दे दूँगा, आप वहाँ से इसको डायरेक्ट क्लिक करके आप अपना जो पैन कार्ड है उसको मंगा सकते हैं। तो दोस्तों मैं अभी आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से आप इसको ट्रैक करेंगे कि आपका पैन कार्ड का स्टेटस क्या है। तो जब आप प्रोसीजर कर देंगे पूरा, तो यहाँ पर लिखेंगे पेन रीप्रिंट स्टेटस, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, सबसे पहला जो ऑप्शन आ रहा है इस पर नहीं जाना है, UTI की वेबसाइट पे ही जाना है आपको, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। ये दोस्तों वेबसाइट टाइम लेती है थोड़ा सा, तो आपको बने रहना है। तो दोस्तों यहाँ पर ये पेज खुल गया है, यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना जो कूपन कोड नंबर मिलेगा आपको जब आप एप्लीकेशन देंगे, तो यहाँ पर आपको देना, मैं आपको दिखा देता, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर आपको, या फिर अगर कूपन नंबर नहीं डालना चाहते तो यहाँ पर उस दूसरे नंबर पर आप पैन नंबर दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ देनी है आपको, उसके बाद यहाँ पर कैप्चा कोड देना, कैप्चा कोड अभी अपलोड नहीं हुआ है, वेबसाइट कनेक्टिविटी धीरे होने की वजह से, तो ये अपलोड हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे कैप्चा डाल के यहाँ पर आपको सबमिट कर देना, ओके। तो यहाँ पर आपको जो स्टेटस होगा आपके पैन कार्ड का, कि वो कहाँ पर पहुँचा है, उन्होंने अभी डिस्पैच किया है या नहीं किया, या फिर आपके घर पे वो डिलीवरी कब आएगी उसकी, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही बेहतरीन वीडियो को देखने के लिए। मैं आपका दोस्त अजय कुमार शर्मा आपसे विदा लेता हूं, मिलता हूं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।